कैसे आप सभी लोग, हम लोग आ गए हैं ये व्हाट्सएप का सबसे अच्छा। हम लोग आए नए वीडियो को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग जो लॉग इन से मिलने वाले होली के, मैंने इवेंट कैलेंडर पहले दिखा दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा इवेंट कैलेंडर को तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना ब्रो। और ये देखो ये N94 और ये तो नहीं हो सकता है, वैसे ये N94 की हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। ये देख लो ये M79 नहीं आता है ना ट्रेनिंग राउंड में, और अब वहाँ पे जाके खोजेंगे हम BR रैंक में तो बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए मैंने ट्रेनिंग राउंड लगा दिया है। और M1 और M1014 आ रहा है हम लोग का इसके साथ, AWM के साथ। तो जिस तरीके से लॉग इन रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उस हिसाब से जो है उनका यूज़ भी करना है, मतलब कि जो जिस मिक्सचर में दो दो गन एक साथ मिल रहे हैं तो वो गन का मिक्सचर एकदम अनब्रेकेबल है। जैसे M1887 का और इसका दोस्ती बहुत बढ़िया है AWM का, लेकिन M1014 भी जो है AWM के साथ काफ़ी सही चलता है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा तो इसके लिए अब कुछ बोला तो नहीं जा सकता है, इसीलिए आपको उसके जो है टेस्टिंग खुद ही फील करनी होगी। N94 ग्रोजा M279 SVDY AK स्कार VSS ग्रोजा SKS M279 फार्मास SVD XM8 M60 N94। तो देखते हैं कैसा है इसका। अच्छा ही गन होगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगी। और ये M10 लेके बॉट आ गया, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बॉट M10 लेके आता है तब क्या ही तो कह सकते हैं। भाई इससे तो पानी की तरह हट जा रहा है भाई, ये चीज़ आपने नोटिस जरूर किया होना चाहिए। नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक किल हो जाए, हो गया एक किल। अगर ये M10 भी होता ना तब तो कतई मज़ा ही आ जाता। और पीछे से भी भागो, भाई हम सोचे इसको फिर से मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लॉन्ग रेंज में बंदा मिले, शॉर्ट रेंज में बंदा मिलता जा रहा है। इसके हेडशॉट रेट के बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है ना। पीछे से फिर से आके बांध दिया, हम सोचे कि वो आगे वाला ही मारा है, लेकिन ये तो बॉट इंसान पीछे वाला है। हेडशॉट रेट ठीक ठाक है वैसे, जैसे पहले स्टार्टिंग में पानी का थ्रेट जा रहा था शायद वो फेक डैमेज पड़ रहा था। काफ़ी सही हेड पड़ रहा है ये गन के साथ, काफ़ी मस्त गन है। और ये आजकल मैं वीडियो कम बनाता हूँ, वैसे इसका मैंने एक्चुअली वेट किया था कि ये वाला गन जब आएगा तब हम लोग जो टेस्टिंग वीडियो डालेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो। अच्छा वो यहाँ से हम निकल लिए, एक हेडशॉट यहाँ पे बहुत अच्छा से लग रहा है। अब इसका असली टेस्टिंग तो BR रैंक या CS रैंक में ही होगा, वैसे इसकी टेस्टिंग ऑलमोस्ट एज अ कहने लायक टेस्टिंग कि तो यहीं पे ही हो गई। नहीं शिट, पता नहीं क्या है, हम लोग ऐसे ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये लोग ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के लिए हमको उत्सुक कर रहे हैं। और हम तो खतरनाक इंसान, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए दो गो लॉन्ग रेंज गन शॉर्ट रेंज में चलाने के इस्तेमाल में, लेकिन इस बंदे ने मेरे खड़े होने के कारण मुझे ऐसा हेड दिया। नहीं गया मैं VSSX ट्रेनिंग राउंड में नहीं लाना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए VSSX का नोबिता। तो चलो भाई अब तो मेरा दोस्त का भी रिक्वेस्ट आ गया है, मैं स्कूल का दोस्त का आ चुका है रिक्वेस्ट, उसको अब हम मेरे साथ रैंक पुश करना है। तो
तो अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हुए हम लोग इसका गन का डायरेक्ट रिव्यू देते हैं। गन का रिव्यू ये है कि इससे हेडशॉट काफ़ी सही पड़ता है। अगर आपके पास ड्रैग है, आपके पास अच्छा सेटिंग्स है, तो आप इसके साथ हेडशॉट दे सकते हैं। खाली अच्छा अच्छा खासा लेफल का जो वेस्ट है उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है इस गन में, जैसे मेरे साथ हुआ है अभी। नॉर्मल AN-94 से तो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा। अभी देखो ये मैसेज भेजा हो, कोई बात नहीं, उसका रेट ऑफ फायर सही है और ज़्यादा कुछ खास कहने के लिए है नहीं इसमें। नहीं सही है, सही है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बस ये गन मस्त है। अगर आप लॉन्ग रेंज में चलाते हो या शॉर्ट रेंज चलाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी से डिपेंड करता है कि आपके गन कैसे चलेगी। काफ़ी अच्छे गन है, कस्टम रूम में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे यूज़ मत करना, नहीं तो बहुत बुरी तरह से सारने वाले हो। वैसे एज एग्ज़ाम्पल मैंने बोला ऐसे कि कुछ कुछ किंगफिशर का यूज़ करते हैं, एक ग्लोअल और किंगफिशर, डेजर्ट ईगल नहीं लेके, उसी तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।